सीरीज की शुरुआत में बताया जाता है कि जस्टिस मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नरक से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां ऐसा हुआ क्या और कौन सी ऐसी खतरनाक घटनाएं हुई, चलिए जानते हैं इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बार्बी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बार्बी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक पुलिस ऑफिसर की कार पर पड़ता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह से वो पुलिस से बच जाता है। पर तभी वहां पर उसकी गाड़ी के सामने कुछ गायें आ जाती है और उनको बचाने के लिए बार्बी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड बाद वहां अर्थक्वेक आ जाता है जिस वजह से वहां सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर अचानक आसमान से एक चीज बार्बी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बार्बी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से दो टुकड़ों में कट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उस चीज को छूने लगता है तो उसको पता चलता है कि वो एक इनविजिबल बॉल है जो कि इतनी शार्प थी जिसकी वजह से कई घरों के भी दो हिस्से हो चुके थे। तभी वहां जो नाम का एक लड़का आकर उसे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, और वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखने लगता है। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बंद हो गई है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सारे के सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार ही नहीं बल्कि एक राउंड शेप का डोम है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनके रेडियो सेटिंग को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ से आ रहा था जिसे देख बार्बी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करते हुए उसे रोककर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझने की उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहां पर एक शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। इसके बाद हम तीन लोगों की फैमिली को देखते हैं जो उसी टाउन की तरफ जा रहे थे। उनको इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि डोम ने उनके पूरे शहर को कवर किया है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका उस शहर में काफी नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भरे ट्रक जाते हुए देखे हैं और उसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती कि उस पर ध्यान नहीं देती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन उस अनाउंसमेंट को सुन लेती है पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, इसलिए वह अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उसकी कार डोम से टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक डोम से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर उसकी बेटी को दौरे पड़ने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ से उसको जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था, वो उससे मिलने जाती है लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड वहां पे नहीं होता। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम ही नहीं करता था, वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता रहता था। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण कुछ भी पता नहीं चल पाता। कुछ घंटों बाद जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शाइफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बार्बी को शहर में एक दिन के लिए रुकना था पर उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। इसी बीच वहां जूली आ जाती है और उसे अपने घर में रुकने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे जिनमें जो भी था। जो एक लड़के से वहां के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जो को दौरा पड़ने लगता है और वो भी पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नोरी ने बोला था। वहीं जो की बहन एनजी भी अपने घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुस के उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसको बताता है
कि मुझे पता है शहर को कवर किए इस डोम के बारे में। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एनजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया। वहीं दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में रहने के लिए लाती है। तभी अचानक बार्बी की नज़र उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से टकरा ना जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है और वहीं वो मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना के फ्लैशबैक के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ बार्बी टाउन में जूलिया के हस्बैंड से मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बार्बी उसे गोली मार देता है। बार्बी जानता था कि भले ही उसने गोली गलती से चलाई है लेकिन इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी, इसलिए उससे बचने के लिए उसने बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में उठकर सुबह बार्बी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया को इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसको उसकी चेन ढूंढकर दे देगी, पर तभी उसको याद आता है कि वो चेन उसने उस केबिन में ही गिरा दिया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जो अपने फ्रेंड बेन के साथ था जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी। बेन जो से पिंक स्टार के बारे में पूछता है तो उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों को कॉन्टैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन रही थी। वो सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल है क्या। वहीं दूसरी तरफ जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि लिंडा वहां आकर उसे शरीफ के मरने की खबर सुनाती है। वो लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम लेस्टर था। इधर एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन तभी वहां जो आ जाता है और उसे चेन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है जो कि शरीफ का ही दोस्त था। शरीफ की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती तो वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शरीफ की मौत से उनको ये कंफर्म हो गया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब कोई किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए एक अच्छी खबर थी। उसी दिन बाद में जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो वो देखती है कि जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वहां वो शरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा था, लेकिन असल में वो प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था जो उसे और लिस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर लिस्टर को बोलता है कि मुझे लगता है कि पेपर शरीफ के घर में ही होंगे, जिनको लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्द ही रेडियो स्टेशन पर टोडी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम को करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जो और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का कोई असर होता है या नहीं, पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वहीं जो देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह काम कर रहा है। वो बेन को बताता है कि इस डोम से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बार्बी अपने चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहां उसको उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहां आके उसे देख लेता है। यहाँ पर बार्बी को लगता है शायद उसे चेन देखते हुए जूनियर ने देख लिया और वो जूनियर को ऐसे नहीं जाने देना था, इसलिए वो जूनियर की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर्स मिल भी जाते हैं पर वो उन्हें जला देता है, और जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के पर्दों में लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्द ही बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिससे लोगों की जाने भी जा सकती थी, इसलिए सब मिलकर आग को बुझाने लगते हैं। और इसी बीच बार्बी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाके उसे घसीटकर बाहर निकाल लाती है और उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में एक घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और बढ़ जाती है। आखिर में जिम एक लोडर लेके आता है और घर को गिरा देता है, और तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस डोम के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है जो कि डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं,
तभी वहां पर नोरी जो के पास आकर उसे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जो उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो उस टाउन के गिने चुने घरों में ही था। इधर लिंडा पॉल को लेकर जेल आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस की घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कहकर शांत करवा देता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक करने की एक्टिंग कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धकेलकर लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है, मगर एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहां से निकलना है तो जूनियर को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो उसे अपने बचपन की बातें याद करवाती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे। और वो उसे कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। फिर जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देख के वो तुरंत उसे लॉकर से बाहर निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ ही जाया करता था। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, तो बार्बी से भी वो उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उसे रोक कर पूछती है कि वो बैकपैक करके कहां जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो कहता है कि मैं बस यहीं आसपास में दोस्त से मिलने जा रहा हूं, जिससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करते हुए टनल तक पहुंच जाती है। इधर जो के घर पर जो और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे थे, तभी बेन और दो लड़कियों को लेकर उसके घर में आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। इधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है और उसी टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उस हाथ संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बार्बी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल की आखिरी सिरे तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार को बिल्कुल करीब से पहुंच जाता है, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उस इनविजिबल वॉल को पंच मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। इधर जो के घर लोगों से भर जाते हैं, जो अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर का यूज करने आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जबकि जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर नोरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, तभी लाइट चली जाती है और सब वहां से चले जाते हैं। नोरी इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि जो ने उस बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में बार्बी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं। पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी, जिससे वो जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसको शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलिन जो के घर जाती है और अपनी बेटी नोरी से मिलती है। वो नोरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर नोरी और जो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे उनमें एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त उन दोनों के दौरे पड़ने लगते हैं। और फिर एक बार वो दोनों किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। इधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एनजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी और चुपके से एक सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बार्बी दिन भर की थकान के बाद घर वापस लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद ही बार्बी पर शक करने लगी थी। और अब जब बार्बी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। और इसी के साथ साथ इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।